ओके बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। आपकी फिल्म आ रही है खिलौनी, जो काफ़ी ह्यूमंगस बज क्रिएट कर चुकी है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? बहुत खुशी की बात है अगर लोग हमारी फिल्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम लोग मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड वी कांट वेट फॉर एवरीवन टू वॉच द फिल्म ऑन 24th of March। शैशी, जो आपका जो कैरेक्टर है वो हर तरफ फैल चुका है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो हर किसी के जहन में हो आ चुका है, ये आइडिया कहाँ से आया है और ये प्रमोशन का स्ट्रैटेजी आपने कहाँ से निकाला? शैशी तो बेसिकली शशि क्योंकि वो भूत है तो हमें लगा कि वो कहीं पे भी हो सकती है और कोई लिमिट नहीं है उसकी, यू नो देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ टाइम और स्पेस एज फार एज शी इज कंसर्न्ड। तो शशि वाज देयर, वाज अ कैंपेन दैट वाज डिवाइस्ड बाय हमारी जो डिजिटल टीम है, वेयर दे केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि शशि क्योंकि एक भूत है तो वो किसी भी प्री हिस्टोरिक इवेंट में जाके वहाँ पे हो सकती है एंड कहीं भी जा सकती है, एंड इट कुड बी इन सम फनी सिचुएशन दैट वी कुड पुट हर, एंड दैट्स हाउ द कैंपेन वेयर शी इज़ इन दोज, यू नो, इन फिल्म के पोस्टर्स में जहाँ पे वो है या ऑस्कर्स में जो थी वो उन्होंने दे केम अप विद इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लोगों को बहुत फनी लग रहा है और वो बहुत सर्कुलेट हो रही हैं वो पिक्चर्स, सो इट्स अ गुड फीलिंग ऑफ कोर्स, वी फील गुड। वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली पोस्ट, एक अलग ही नया आइडिया आपने निकाला है। आपसे जानना चाहूँगा, ये आपकी सेकंड फिल्म होगी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है, व्हिच इज बेटर, टॉलीवुड और बॉलीवुड अकॉर्डिंग टू यू? सी, आप यू कांट कंपेयर द टू, ऑब्वियसली दोनों ही मेरे डेब्यू हैं, वो भी एक डेब्यू था और ये भी डेब्यू है, दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं एंड आई फील रियली अमेजिंग, मतलब कि मेरी डेब्यू फिल्म में आई एम गेटिंग टू वर्क विद अनुष्का, सूरज, दिलजीत, सच अमेजिंग एक्टर्स एंड सच talented people, so I feel really blessed and बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब when बाकी 24th मार्च को आप लोग जाइए in the theaters near you, I'll do your job today, please watch Filori and I'm sure that all of you are going to love it, all age groups. सुनो, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आपके character को लेकर Hollywood से निकल कर अब Hollywood में? सर तो नहीं, बहुत मज़ा आया, आई वाज ऑलवेज वेटिंग फॉर सम मोमेंट कि मैं यहाँ इंडिया में भी काम करूँ ऑब्वियसली क्योंकि मैं यहीं से हूँ, तो बट ऐसा कुछ चाहिए था जो दैट फिट राइट, यू नो, क्योंकि ज़्यादा भी उधर आई डोंट वांट टू गो ऑल द वे बट लाइक फाइंड द राइट, यू नो, बैलेंस मिडिल ग्राउंड, तो Filori वॉज परफेक्ट फॉर दैट। ऑल्सो एज फार एज माई कैरेक्टर इज कंसिडर्ड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज नॉट ओनली इज इट लाइक अ रियली कॉमेडिक एंड फनी, लाइक, यू नो, इट्स लाइक सुपर फन बट एंड ऑल्सो रियली like weird to be put in that situation ki haan shaadi ye cold feet and all this happening ghosts so that's interesting but it's also like very mereko aisa lag raha hai na ki with all this technology in our generation and all of this there are certain, you know, qualms that we have like dealing, like giving yourself completely to something, being brave enough to do that because you continuously there's itne sare option dikhte har jagah, so I found that this is, you know, it's my character personally kind of symbolizes that or talks about that, to mereko laga ki there's something deep in this as well, to isliye. And as an artist, what would you like to say, like comparing, jaise maine pucha tha, which is better, Hollywood or Bollywood according to you? Sir dekho, mere hisab se aisi baat hai na, I like to tell stories chahe wo jahan se aaye, Hollywood mein kuch achhi cheeze hain aur kuch buri cheeze hain, Bollywood mein kuch achhi cheeze hain aur kuch buri cheeze hain, it's all like that, so you know, I don't think you can really compare things like this, good stories are good stories and good people are good people. आपने कहा था आई लाइक टू मेक कंटेंटेबल फिल्म, ये भी क्या वैसी ही फिल्म होगी और कितना एक्सपेक्ट कर रही है कमर्शियली भी और क्रिटिक्स की नज़रिए से भी? एक्सपेक्टेशन जो भी मैक्सिमम हो सकता है वही होती हैं, देर इज़ नो बाउंड्री एंड आई थिंक यू शुडंट ऑल्सो, एंड यस, कॉन्टेंट इज़ की, वी बिलीव दैट्स द रीज़न वाई फिल्म्स वर्क, इफ इट्स हाई ऑन कॉन्टेंट एंड high on entertainment, and that's what we've tried to create with Filori, and hopefully people will also be able to see the same. And as an actress, log aapko kehte hain you are a pioneer production ke mamle mein, aapne shuruaat ki hai aur ek naya benchmark aapne set kar liya hai, is tarah ka jab appreciation aap kya kahenge isse, aap appreciation kahenge ya kuch aur? I mean, aisa jab log bolte hain ki you are a pioneer or you've inspired someone to do something, you know, what I've started with, I think ये चीज़ें मैं कभी सोचती नहीं हूँ, you know, in fact जब मैंने सोचा था कि मैं प्रोडक्शन शुरू करूँगी, मैंने ये सोचा नहीं था कि यार मैं तो कुछ ऐसा करूँ जो किसी और ने नहीं किया है, बिकॉज अगर उस समय पर मैं ये सोच रही होती तो मे भी शायद मुझे डर लगता कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो पहले किसी ने नहीं किया है, तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं,
क्या ये जो मैं करने जा रही हूँ क्या ये सेफ़ होगा. एंड यूजली हम लोग सेफ्टी का मेजर उससे करते हैं कि अगर किसी और ने किया है तो वो सेफ़ है क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में. अगर मुझे अंदर से कुछ चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है तो मैं मेरे में उतनी करेज है कि मैं उसको यू नो उसको फॉलो करूँ. और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि NH10 के बाद वो हम लोगों को सक्सेस मिला एज़ प्रोड्यूसर्स एज यंग प्रोड्यूसर्स. एंड अभी हमारी फिल्म फिलौरी निकल रही है एंड वी गेटिंग टू वर्क विद सच अमेजिंग टैलेंट एंड लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया है. सो दीज आर ऑल दीज आर द थिंग्स एक्चुअली दैट मेक मी हैप्पी. और बाकी चीज़ें आई थिंक आई नेवर रियली थिंक अबाउट. लास्टली ऑफकोर्स मैं कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है 24 मार्च को. इसका नाम है फिलौरी. फैमिली एंटरटेनर है. बहुत फन फिल्म है. इमोशन भी है और आप लोगों को अपनी पूरी फैमिली के साथ इन्जॉय करना चाहिए. किड्स फ्रेंडली फिल्म है तो आप अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं. नो प्रॉब्लम. ऑल्सो एग्जाम्स के बाद निकल रही है. एग्जाम्स जब खत्म हो जाते हैं तब रिलीज़ हो रही है. तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू यू नो स्पेंड योर समर वेकेशंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.